अरे नौकरी ले लो, नौकरी ले लो, मुझे एक डॉक्टर की जरूरत है, एक अच्छे से डॉक्टर की। आ जाओ मेरे हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल खाली पड़ा है, बहुत अच्छी सैलरी दूंगा, बहुत अच्छी सैलरी, आ जाओ आ जाओ। अरे रख लो रख लो, मैथ्स के टीचर को रख लो, बहुत अच्छा मैथ्स का टीचर हूँ मैं, मैंने मैथ्स में मास्टर किया हुआ है, सिर्फ 30,000 रुपए सैलरी पे आ जाऊंगा, मुझे कॉन्टेक्ट कर लो, जल्दी कर लो कर लो। एडवर्टाइजमेंट, जिसे हम हिंदी में विज्ञापन कहते हैं, एग्जाम में मेनली 5 तरह के पूछे जाते हैं। एक होता है सिचुएशन वेकेंट, एक होता है सिचुएशन वांटेड, एक होता है फॉर सेल, एक होता है टू लेट, और एक होता है लॉस्ट एंड फाउंड। अब क्या है इनको करने की ट्रिक, वो मैं आपको सिखाता हूं, आइए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज शेयर करना चाहता हूं। आपके एग्जाम आ रहे हैं और आपके एग्जाम का सोचते हुए हमने एक इनिशिएटिव लिया है, इंग्लिश के अंदर 50 मार्क्स की क्विक रिवीजन कराने का हमारा प्लान है। हमारे पास कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो हम स्कूल टू स्कूल जाके प्ले करवा रहे हैं, जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश के अंदर 50 नंबर की रिवीजन कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अभी ये इनिशिएटिव दिल्ली के स्कूल में लिया गया है, यहाँ दिल्ली के जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल हैं वहां हम जा रहे हैं और अपनी वीडियो दिखा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर किसी स्कूल के अंदर प्रोजेक्टर नहीं है, स्मार्ट क्लास का अरेंजमेंट नहीं है, तो हम अपना सेटअप आपको दे रहे हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस हमें कांटेक्ट करने की जरूरत है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं हम आपके स्कूल में आए, तो अपने टीचर से कंसल्ट कीजिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो हमें इनवाइट करेंगे, हम वहां जाएंगे और अपनी वीडियोस प्ले कराएंगे। अगर मेरी वीडियो ये कोई टीचर देख रहे हैं, कोई प्रिंसिपल या कोई भी अथॉरिटी देख रहे हैं, तो प्लीज हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम जाना चाहते हैं, हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फायदा कराना चाहते हैं, इसमें हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, बस ये है कि जो हमने मेहनत की है वो सब तक पहुंचे, ओवरऑल रिजल्ट बेटर हो जाए, ये हमारा इनिशिएटिव है। मुझे पूरी उम्मीद है आप हमें इस मामले में पूरा सपोर्ट करेंगे और हमारा साथ देंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट है सिचुएशन वैकेंट। वैकेंट का मतलब होता है खाली। जब कोई पोस्ट खाली होती है उसके लिए एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है कि आ जाओ जॉब पर, आपके लिए जॉब खाली है, उस एडवर्टाइजमेंट को कहते हैं सिचुएशन वैकेंट। तो क्या आपको आज पता चला कि इसे सिचुएशन वैकेंट क्यों कहते हैं? जी हाँ, हमें आज पता चला। अब आपका कोई भी सवाल आ जाए सिचुएशन वैकेंट का, उससे सॉल्व कैसे करोगे वो मैं आपको बताता हूं। बहुत प्यारी सी ट्रिक है, ध्यान से सुन लो, बड़े मजे में करोगे। आओ शुरुआत करेंगे सबसे ऊपर से, सबसे ऊपर बड़ा बड़ा लिखेंगे कैपिटल में सिचुएशन वैकेंट, बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे, लिख दिया। अब आगे बढ़ जाओ, फिर शुरुआत करेंगे इसकी वॉन्टेड से। वॉन्टेड चाहिए क्या? अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस डैश। डैश में क्या आ जाएगा भाई? जो भी आपको व्यक्ति चाहिए, जो भी प्रोफेशनल चाहिए, मान लीजिए यहां पे आपको एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए था तो यहां रिसेप्शनिस्ट आ गया, या अगर आपको कोई टीचर चाहिए होता तो टीचर आ जाता, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उस व्यक्ति का यहां पे प्रोफेशन आ जाएगा। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, मेल और फीमेल। भाई लड़का भी चलेगा, लड़की भी चलेगी, लेकिन अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि फीमेल ही चाहिए तो सिर्फ फीमेल आ जाएगा, अगर मेल को कह रखा है तो मेल आ जाएगा, वो तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, अब यहां पे क्वालिफाइड एक्सपीरियंस लिखा है मैंने, अगर क्वेश्चन में है कि फ्रेशर चाहिए तो क्या ये लिखोगे? नहीं, फ्रेशर डाल दोगे। यहां पे क्या डालोगे कि भाई फ्रेशर चाहिए रिसेप्शनिस्ट या फ्रेशर टीचर चाहिए, जो कि बहुत कम आता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस। भाई उसे 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या सर यही लिखूं हर किसी में 5 साल का एक्सपीरियंस? नहीं भाई, 2 साल लिख दो, 3 साल लिख दो, 6 साल लिख दो, आप जो चाहो वो लिख सकते हो। अगर वो फ्रेशर नहीं है तो कितना भी आप यहां पर एक्सपीरियंस मांग सकते हो। आगे बढ़ते हैं, फ्लुएंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। अब मान लो मैंने यहां पे रिसेप्शनिस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट डाला है, तो उसमें मैं क्या लिखूंगा? रिसेप्शनिस्ट के लिए मुझे एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए, एडवर्टाइजमेंट डाल रहा हूं, तो मैं उसमें लिखूंगा कि एक रिसेप्शनिस्ट के अंदर क्या होना चाहिए, पबजी बहुत अच्छा खेलना आना चाहिए, उसे कुकिंग आनी चाहिए, खाना बहुत अच्छा पकाना आना चाहिए, और उसे ना डांस करना भी आना चाहिए, उसे सिंगिंग भी आनी चाहिए, अगर मैं बोर हो रहा हूं तो वो गाना सुना दे मेरे को, है ना? नहीं भाई नहीं, एक रिसेप्शनिस्ट को बोलना अच्छा आना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, उसकी इंग्लिश स्पोकन बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल। तो जो भी आपको यहां व्यक्ति चाहिए होता है, प्रोफेशनल चाहिए होता है, उससे रिलेटेड यहां पे आप उसकी क्वालिटी लिखोगे। मुझे ऐसी क्वालिटी वाला चाहिए, मान लो कोई डॉक्टर चाहिए तो भाई BUMS करा हुआ होना चाहिए, 5 साल किसी हॉस्पिटल में उसने काम किया हो, प्रैक्टिस की हो, वो चाहिए। टीचर चाहिए तो उसको डिग्री होनी चाहिए, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए पढ़ाने का, ये बातें आएंगी यहां पे। अब रिसेप्शनिस्ट चाहिए था तो मैंने क्या लिखा यहां पे कि उसे इंग्लिश स्पीकिंग और हिंदी स्पीकिंग दोनों अच्छे से आनी चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं,
नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज मस्ट, एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए था तो मैंने क्या लिखा कि भाई नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मस्ट होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं फिर, सैलरी नेगोशिएबल, नेगोशिएबल का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति होगा, जो भी कैंडिडेट होगा, उसको देख के मैं उसकी सैलरी डिसाइड करूंगा, चाहे मैं उसे 50,000 दूं, चाहे मैं उसे 20,000 दूं, देखूंगा कि वो कैसा है। नेगोशिएबल का मतलब ये होता है। आगे बढ़ते हैं, पर्क्स एंड इंसेंटिव्स विल आल्सो बी प्रोवाइडेड। पर्क्स एंड इंसेंटिव्स का मतलब ही होता है कि सैलरी के अलावा जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं उनको हम बोलते हैं पर्क्स, परक्विजिट्स होती है इसकी पूरी फुल फॉर्म, पर्क्स भी बोल देते हैं शॉर्ट में, इंसेंटिव्स का मतलब भी यही होता है। आगे बढ़ते हैं, अप्लाई विद इन 7 days विद कंप्लीट बायो डेटा, इसका मतलब भाई 7 दिन के अंदर, जब ये एडवर्टाइजमेंट आप देखो उसके 7 दिन के अंदर, जब ये छप रहा होगा ना, छप चुका होगा, आप पढ़ रहे होंगे, उसके 7 दिन के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। कॉन्टेक्ट करो, यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम आएगा जो क्वेश्चन में दिया होगा, जो आप होंगे चेतन चेतना, तो यहाँ पर चेतन आ जाएगा, क्लियर है। और जो भी कॉन्टेक्ट एड्रेस है, जीमेल आईडी हो सकती है, यहाँ पे आपका फोन नंबर हो सकता है, वो आएगा। क्लियर हो गया, इतना इतना क्लियर हो गया। अब मैंने आपको यहाँ कॉमन बातें बताई हैं, मैंने कोई यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट सॉल्व नहीं कराया, सॉल्व तो अभी मैं कराऊंगा, ये तो मैंने आपको ट्रिक बताई कि ये सारी चीजें आप किसी भी सिचुएशन वैकेंट के सवाल में लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात सुनो, 2-3 इंपॉर्टेंट बात जो हर एडवर्टाइजमेंट में चलेंगी, सिर्फ सिचुएशन वैकेंट में नहीं, सब में चलेंगी। पहली बात है ये वाली, पहली बात ये होगी, जो भी आप एडवर्टाइजमेंट लिख रहे होंगे सबसे ऊपर वो ऐसे कैपिटल में लिखा जाएगा, सिचुएशन वैकेंट है तो सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड है तो सिचुएशन वांटेड, फॉर सेल है तो फॉर सेल, जो भी होगा सबसे ऊपर लिखा जाएगा, हो गए क्लियर। दूसरी बात, जब भी आप उसका एंड करोगे तो कॉन्टैक्ट पर्सन के बारे में जरूर लिखोगे, ये जैसे कॉन्टैक्ट जो भी क्वेश्चन में दिया गया है नाम आ जाएगा, और उसका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो आएगा, ईमेल आईडी तो वो आएगा, ये दो बातें क्लियर हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट होगा वो बॉक्स में कवर होगा ऐसे, और वो बॉक्स ऐसे नहीं होगा जैसे मैं टेढ़ी मेढ़ी लाइन बना रहा हूं, भाई मैं तो सीधी लाइन खींच ही नहीं पा रहा, लेकिन आपके पास स्केल होगा, अब आप स्केल से लाइन करोगे और उसे बॉक्स में बंद करोगे, ये हो गई आपकी तीसरी बात। क्लियर हुआ कि नहीं? कोई भी एडवर्टाइजमेंट होगा 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होगा, 50 वर्ड्स के अंदर अंदर ही आपको लिखना है। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया सर, ये सारी बातें हमें समझ में आ गई। अब आप इसका एक क्वेश्चन और सॉल्व करा दो। कराऊंगा, थोड़ा सा सब्र। इससे पहले मैं आपको सिचुएशन वांटेड के बारे में बताना चाहता हूं, दोनों सेम है, इसी से सिचुएशन वांटेड लिख सकते हो क्या? यकीन नहीं आ रहा, अभी बता दो सिचुएशन वांटेड कैसे लिख सकते हो। मुझे जॉब चाहिए, खाली बैठा रहता हूं, बैठे बैठे बस पबजी खेलता रहता हूं, प्लीज जॉब दे दो, बहुत अच्छा हूं मैं इतना अच्छा हूं, मैं अपने बारे में बस क्या बताऊं। इस वाले एडवर्टाइजमेंट को कहते हैं सिचुएशन वांटेड, यानी अब मुझे जॉब चाहिए, अगर कोई है मेरे को रखने के लिए तो प्लीज मुझे रख लो, मैं बहुत अच्छा हूं। क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपने सिचुएशन वैकेंट में किया था ना, सेम टू सेम चीज सिचुएशन वांटेड में करनी है। आओ जरा कंपैरिजन कराता हूं कि फर्क क्या है, कुछ भी नहीं। यहां आपने कहा था वांटेड भाई मुझे चाहिए, कौन एक क्वालिफाइड एक्सपीरियंस, जो भी रिसेप्शनिस्ट, टीचर, डॉक्टर है ना, इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको चाहिए क्या? नहीं नहीं, मुझे तो जॉब चाहिए। अब यहां क्या होगा, यहां शुरुआत ऐसे होगी, वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस। अब यहां पे क्या आ जाएगा, मान लो टीचर लिख देता हूं मैं, क्या टीचर, टीचर इज लुकिंग फॉर जॉब। इसका मतलब ही क्या हुआ कि जो टीचर है, जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, जो रिसेप्शनिस्ट है, वो क्या है, वो लुकिंग फॉर जॉब है भाई, वो जॉब ढूंढ रहा है, उसे जॉब की जरूरत है। ये लाइन लिख सकते हो? बिल्कुल लिख दोगे। समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। सर किसी भी वांटेड वाले में ये वाली लाइन आ सकती है? बिल्कुल आएगी, 100% आएगी। इस तरह से स्टार्ट करा। अब यहां पर क्या करना था, मेल और फीमेल, इसमें ये सब तो लिखने की जरूरत नहीं थी। आगे बढ़ो, मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस, इसमें कहा था भाई कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें आप अपना एक्सपीरियंस बताओ ना, बताओ आराम से बताओ, डरने की क्या बात है। अगर फ्रेशर हो तो फ्रेशर बता दो, एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस बता दो, ठीक है। आगे क्या था, इसमें फ्लुएंसी बताई थी, भाई मेरे को स्पीकिंग इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, सब कुछ आता है मेरे को। आगे हमने क्या लिखा इसमें, भाई डिग्री बताई, मैंने बोला था डिग्री बताना, डिग्री बता दी इसने भाई, क्या बीए ऑनर हिस्ट्री टॉपर है भाई, कौन, जो मैं हूं बीए ऑनर हूं, हिस्ट्री टॉपर हूं, ये बता दी, अपने बारे में बताया, डिग्री बताई। आगे बढ़ते हैं, एज बता दी इसके अंदर, यहां पे भी आप एज लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने यहां लिख दी, मेरा दिल कर रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज 24 साल है, फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, कि भाई मेरे को दोनों लैंग्वेज आती हैं, ये वाली चीज यहां लिख दी ना, यहां तक भी मुझे चाहिए उसे इंग्लिश और हिंदी आनी चाहिए, उसे फ्लुएंसी होनी चाहिए। यहां मैंने वर्ड यूज किया फ्लुएंट, कि वो फ्लुएंट हूं भाई, मैं कौन हूं, फ्लुएंट हूं, हिंदी भी बोलता हूं, इंग्लिश भी बोलता हूं, जो मर्जी बुलवा लो। आगे बढ़ते हैं,
एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन ए प्राइवेट स्कूल फॉर मोर देन 5 years. यही वाली लाइन, ये वाली एक्सपीरियंस वाली आपकी आ गई नीचे. कोई प्रॉब्लम है? नहीं. बता दिया सर. सर ये क्या फिक्स्ड फॉर्मेट है? नहीं, ये ऊपर नीचे हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बातें यही आएंगी. बातें मत बदल देना. एज डालना, आप अपना एक्सपीरियंस डालना, आप अपनी डिग्री बताना, सब कुछ बताना. कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं. लंबे लंबे सेंटेंस बनाओ? नहीं नहीं. देखो मैंने कोई इज मार्क इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, बहुत सिंपल सिंपल लिखा है. आगे बढ़ जाऊं भाई. क्या मेरा एक्सपीरियंस क्या है? प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रखा है, 5 साल एक्सपीरियंस है. आगे बढ़ाते हैं. एक्सपेक्टेड सैलरी, यहां क्या था? सैलरी नेगोशिएबल था. यहां एक्सपेक्टेड बता दी. वहां पे हमसे कहा गया था कि भाई कोई भी आओ जॉब के लिए, हम आपको देखकर आपको जॉब देंगे. यहां मैंने कहा भाई 30,000 वाला ही मुझे जॉब के लिए बुलाए, मेरे थोड़े से भाव ज्यादा है, 30 से कम वाला नहीं करे. मेरी एक्सपेक्टेशन कितनी है वो बता दी, 30,000 रुपए. क्या सर 30,000 ही लिखना है? नहीं भाई, 30,000 मत लिखो. सैलरी नेगोशिएबल आप भी लिख सकते हो, इसमें भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन ज्यादातर क्या होता है, जब सिचुएशन वांटेड होती है, मुझे जॉब चाहिए होती है, तो मैं बताता हूं भाई मैं इतना तो चाह रहा हूं, इससे कम में मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा. आ जाओ आगे बढ़ते हैं. इंटरेस्टेड में कांटेक्ट, वहां था कि अप्लाई करो. यहां क्या होगा? अप्लाई करेगा क्या कोई? मतलब आपको जॉब देने वाला अप्लाई करेगा? नहीं ना यार, बड़ा सिंपल है. इसमें क्या होगा भाई, जो भी इंटरेस्टेड है, जो मेरे अंदर इंटरेस्टेड है मुझे जॉब पे रखने के लिए, मेरे को कॉन्टेक्ट कर ले. नाम आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, इतना ही तो आएगा. एड्रेस का मतलब है मेरा क्या, कि आपकी ईमेल आईडी वगैरह आ जाएगी. मैं साइड हो जाता हूं, अच्छे से देख लो. अब इसके अंदर भी वही कॉमन बातें, बॉक्स में बंद करना है कि नहीं. यहां नंबर वन ये वाला आ गया, यहां भी सिचुएशन वांटेड आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, बिल्कुल आ गया. ऐसे नंबर दो क्या था? कांटेक्ट करना है. हाँ भाई कांटेक्ट भी डालना है, डाला डाला. नंबर तीन क्या था? नंबर तीन मेरे को नजर नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को इतना याद था कि नंबर तीन में हमने देखा था कि भाई ये बॉक्स में बंद होना है. होना है क्या? नहीं. क्या इसको भी 50 वर्ड में? हाँ इसको भी 50 वर्ड में. तो सिचुएशन वैकेंट भी हो गया, सिचुएशन वांटेड भी हो गया. अब बताओ डिफरेंस क्या है? कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल एज इट इज है. छोटे मोटे आपको चेंजेस करने हैं, वो मैंने आपको सिखा दिया. अब आ जाए सिचुएशन वैकेंट या वांटेड का सवाल, इजिली कर पाओगे कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं. आपको कोई गाड़ी या घर बेचना है, उसके लिए भी आप एडवर्टाइजमेंट देते हो, उसको कैसे लिखते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूं बहुत ही आसान तरीके से. सबसे पहले देखते हैं कि जब हम कोई गाड़ी बेचना चाहते हैं, कोई बाइक बेचना चाहते हैं, उसको कैसे लिखेंगे. सबसे ऊपर लिखोगे फॉर सेल, इसी तरह से हेडिंग बना के लिख दोगे. उसके बाद क्या लिखोगे? फॉर सेल. और उसके बाद जो भी आप चीज बेचना चाहते हो, क्या बेचना चाहते हो? मान लो मैं ना एक स्विफ्ट कार बेचना चाहता हूं, तो मैंने क्या लिखा? फॉर सेल अ स्विफ्ट डिजायर. भाई स्विफ्ट डिजायर में अपनी गाड़ी बेचना चाह रहा था. यहां पे मैंने लिखा है कलर, उसका कलर बता दो. ब्लू कलर में है, व्हाइट कलर में है, कलर लिखी. स्विफ्ट डिजायर, व्हाइट स्विफ्ट डिजायर कर सकता हूं मैं इसको, व्हाइट स्विफ्ट डिजायर. यहां कलर मेंशन कर दिया. उसके बाद मॉडल नंबर जो है उसका, कौन से मॉडल की? 1999 मॉडल है, 2005 मॉडल है, वो मॉडल आ जाएगा. आ जाएगा. अब आगे चलो. ऑनर ड्रिवन, ऑनर ड्राइवर नहीं होगा, ऑनर ड्रिवन होगा. इसका मतलब क्या है कि भाई जिसने चलाई है ना, वो ऑनर ने ही चलाई है डायरेक्ट, किसी और ने नहीं चला रखी वो, कि कहीं सेकंड हैंड नहीं है, थर्ड हैंड नहीं है वो, इस तरह से. ठीक है ना? तो ये फर्स्ट हैंड ही गाड़ी है. इतना लिखा. आगे बढ़ गए. इन गुड कंडीशन, कैसी कंडीशन में? अच्छी कंडीशन में है. अब यहां पे सफेद कलर की डिजायर थी, काली कलर की होंडा एक्सेंट आ जाए, होंडा सिटी आ जाए, कोई सी भी गाड़ी आ जाए, मुझे फर्क पड़ना है क्या? नहीं. करना क्या, जब भी कोई व्हीकल में अगर बेचूंगा, मैं देखूंगा कि क्या है उसका कलर, क्या है वो कल कौन सा है, क्वेश्चन में दिया गया होगा. अब ये वाली बात कॉमन सब में आ जाएगी, ऑनर ड्रिवन है कि नहीं. ठीक है ना? तो ये कॉमन आया, गुड कंडीशन लिखनी ही है. ऐसे कहोगे कि कबाड़ है बिल्कुल, कोई लेगा? कोई नहीं लेगा भाई. तो गुड कंडीशन विद ऑल 4 या 2 ब्रांड न्यू टायर्स ओनली. टायर्स तक रुकते हैं अभी. इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर ना चारों टायर या 2 टायर ना बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसे हैं. अब मुझे एक बात बताओ, एक गाड़ी के अंदर 2 टायर कैसे हो गए? अरे मेरे दोस्तों, यहां पे अगर कोई गाड़ी हुई तो गाड़ी आ गई. अगर बाइक बेच रहे हो, मान लो बुलेट बेच रहे हो आप अपनी नई वाली, तो उस बुलेट के लिए तो 2 टायर ही लिखोगे ना, दोनों में चल जाएंगी ये वाली लाइन. ये है कमाल, ये है ट्रिक. क्या कि ये दोनों लाइन ना, चाहे बाइक बेचो आप या चाहे गाड़ी बेचो, दोनों में चल जाएंगी. तो अगर 4 टायर होंगे तो गाड़ी के लिए आ जाएगा, 2 टायर है तो बाइक के लिए आएगा. आप कहोगे दोनों ना ब्रांड न्यू है, ये नहीं मैंने चेंज करवाया तो मेरा टायर फट गया था, ऐसा कुछ नहीं था भाई, कंपनी के टायर है. ये लिख दिया इतना. आगे बढ़ जाते हैं. ओनली डैश किलोमीटर, डैश का मतलब भाई कितनी चली हुई आपकी गाड़ी. यहां लिख दो 20,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर, जितना भी लिखना चाहो, मर्जी है आपकी. अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि इतने किलोमीटर चली है, तो क्या लिखोगे? 20,000 लिखोगे तब भी अपनी मर्जी से लिखोगे? नहीं सर, हम समझदार बच्चे हो गए हैं. जो क्वेश्चन
में दिया होगा वो लिख दूंगा। क्वेश्चन में मान लो 10,000 किलोमीटर लिखा था कि 10,000 किलोमीटर पुरानी गाड़ी है, तो मैं 10,000 किलोमीटर लिख दूंगा। आगे बढ़ते हैं विद लेदर सीट कवर्स। अब ये गाड़ी के लिए आएगा, सीट कवर कैसे हैं, लेदर के हैं। बाइक में इतना कोई सीट कवर थोड़ी होता है, एक ही कवर होता है, उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मैं गाड़ी मानते हुए चल रहा हूं। अभी आगे बढ़ जाते हैं, सोनी म्यूजिक सिस्टम एंड GPS फिटेड, CNG फिटेड यहाँ कॉमा लगा के CNG फिटेड है, ठीक है, कि उसके अंदर सोनी का GPS और म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, GPS लगा हुआ है, CNG भी लगी हुई है उसके अंदर गाड़ी के अंदर। आगे बढ़ाते हैं, एक्सपेक्टेड प्राइस। अब आप कितने चाह रहे हो, अब मैंने एक गाड़ी स्विफ्ट ली है तो मैं कितने में उसको बेचना चाह रहा हूँ। मान लो मैंने उसमें कहा कि भाई मुझे 2,05,000 या 2,50,000 जितने मैं चाहूँ उतने मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्राइस लिख सकता हूँ, भाई इतने में आप खरीद लेना मेरे से। आगे बढ़ते हैं, कॉन्टैक्ट एट द फोन नंबर गिवन बिलो बिटवीन 9 AM and 6 PM ओनली, कि आप कॉन्टैक्ट करो। ये बात तो हमने अब थक गए बता के समझ के कि भाई कॉन्टैक्ट जरूर करवाना होता है। अब यह टाइमिंग भी दे दी भाई, 9 से 6 में ही करना, उसके बाद फोन नहीं उठाऊंगा मैं। और इतना करके यहां पर जिसने भी लिखा है वो अपना एडवर्टाइजमेंट दे देगा, ठीक है जी, यहां अपने नंबर दे देगा। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर होगा। बॉक्स में बंद करना है, हाँ बॉक्स में बंद करना, जल्दी जल्दी से बंद करो वरना हमारा एडवर्टाइजमेंट भाग जाएगा उड़ के। ये मैंने इसको जल्दी से बंद करा, और वही बात, आप लाइन स्केल से खींचोगे। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें कॉमन लाइन क्या होंगी वो देखो। सबसे पहले ये तो कॉमन चलेंगी आपकी लाइन, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं कॉमन चलेंगी। ये गुड कंडीशन हो गया विद 2 या 4 टायर्स हो गया, ठीक है ना, अब इतना कॉमन हो गया, ठीक है, जिस जिसको अंडरलाइन कर रहा हूं वही कॉमन हो गया। ये किलोमीटर वाली बात भी आपकी कॉमन होगी, ठीक है, बस यहां तक रुकेंगे। फिर हम लेदर सीट कवर वगैरह कॉमन नहीं होगा, अगर स्कूटर के केस में होगा, बाइक के केस में सीट कवर नहीं होंगे। ये वाला कॉमन नहीं होगा, म्यूजिक सिस्टम बाइक में थोड़ी लगवाओगे, GPS नहीं होगा, CNG वाली बात नहीं होगी, एक्सपेक्टेड प्राइस जरूर आएगा, सब में आएगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, ये कॉमन लाइन होंगी, ये वाली। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। यहीं पर आप इतनी सारी बातें लिख दोगे ना कि उसका मॉडल नंबर क्या है, उसका कलर क्या है, कितनी चली हुई है, उतने में ही आपके 50 फुट आराम से कवर होंगे, पूरी डिटेल आप आराम से दे दोगे। अब आते हैं दूसरी चीज पे। यहां तो आपने व्हीकल बेचा था, लेकिन अब क्या बेचने को कह रहा हूं मैं आपको, प्लॉट बेचने को कह रहा हूं। किसको, प्लॉट या फ्लैट जिसे कहते हैं, आपको एक फ्लैट बेचना है। अब फ्लैट व्हीकल की तरह तो होगा नहीं, लेकिन बेचना इसे भी है, फोर सेल आएगा, हाँ इसमें भी फोर सेल आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, फोर सेल लिखा। लेकिन अब इसको करने का तरीका अलग है। शुरुआत करोगे ऐसे, अवेलेबल, क्या है, अवेलेबल है यहाँ पे, यानी बेचने के लिए तैयार है, बिक सकता है, आ जाओ ले लो, खरीद लो, अवेलेबल। अब यहाँ आएगी इंपॉर्टेंट बात, फ्लैट नंबर या प्लॉट नंबर, यहाँ आएगा आपका एड्रेस, क्या आएगा, एड्रेस। जिस फ्लैट को भी मैं बेचना चाहता हूं ना, उसका एड्रेस डाल दूंगा यहाँ पे, डाल दिया मैंने एड्रेस। उसके बाद उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताओ, एक फ्लैट अच्छा कैसा होगा, बड़ा साफ सुथरा होगा, पार्किंग फैसिलिटी होगी, पानी बिजली अच्छे से आता होगा, पानी साफ सुथरा आता होगा, उसके अंदर गंदा पानी नहीं आता होगा, और क्या होगा उसमें का, किचन बड़ा अच्छा होगा, बेडरूम बहुत अच्छा होगा, उसके अंदर जो रोड होंगे उसके आसपास के वो बहुत चौड़े चौड़े होंगे, ऐसा होगा ना, ऐसा कुछ होगा, वही सब तो लिखना है। आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैंने पहले लिख दिया। फ्लैट का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे कर देना, और ऐसे ही कोई सा क्वेश्चन आ जाएगा, फल जाएगा, फिर आप जब एग्जाम देके आओगे कमेंट करोगे मुझे, सर आपने जो बताया था वही क्वेश्चन आ गया, मेरे मजे आ गए, जैसे पिछले साल हुआ था उससे पिछले साल हुआ था, हर साल वही होता है, इस साल भी यही होगा, मेरे को पूरी उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, विद 2 bedrooms, क्या 2 bedroom का फ्लैट है, अगर क्वेश्चन में 3 bedroom है 3 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाओ, हैविंग अटैच्ड बाथरूम उसमें अटैच्ड है, 24 आवर पावर एंड वाटर सप्लाई के, उसमें 24 घंटे बिजली पानी मिलता है, सब तारीफें चल रही है, पार्क फेसिंग, उसका फ्लैट का मुंह ना पार्क की तरफ है। आगे बढ़ते हैं, बेस्ट लोकेशन है, तारीफ ही तो करूंगा तभी तो खरीदेगा कोई, फ्रेंडली नेबर्स, जो पड़ोसी है ना वो मारते लड़ते नहीं है भाई, बहुत अच्छे पड़ोसी है हमारे, ठीक है, 24 आवर पावर सप्लाई हो गया, ये हो गया था, चार्जेस एंड रीजनेबल प्राइस, ये क्या है भाई, मेंटेनेंस चार्जेस क्या है, यहाँ पर मेंटेनेंस लिखा है ना, लो मेंटेनेंस चार्जेस एंड रीजनेबल प्राइस, के मेंटेनेंस चार्जेस बहुत कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट, आप और डिटेल्स के लिए कॉन्टैक्ट करें, यहाँ नाम आ जाएगा, यहाँ उसका नंबर आ जाएगा, और इसको भी हम किस में बंद करेंगे, बॉक्स में, और मैं बंद तो ऐसे ही कर देता हूं, आप स्केल लेके बैठोगे और स्केल से इसको बॉक्स में बंद कर दोगे और अपना एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट कर लोगे। तो क्या इसमें कोई दिक्कत थी, कोई दिक्कत नहीं थी भाई, इसमें हमने सिर्फ फ्लैट बेचा था और इसमें हमने व्हीकल बेच दिया था, इनमें से ही कोई सवाल आएगा जब फोर सेल का आएगा, और कोई सेल के लिए नहीं आता है, मेनली यही पूछे जाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब बढ़ते हैं आगे, अब फ्लैट अगर किराए पे देना है तो क्या करेंगे, उसका एडवर्टाइजमेंट कैसे होगा, उसको कहते हैं टू लेट, क्या कहते हैं, टू लेट, किराए पे देने के लिए, फोर सेल की जगह लिखना टू लेट, बाकी सब सेम, अवेलेबल के साथ लिखना अवेलेबल ऑन रेंट बेसिस,
और फिर बाकी सब सेम चलेगा सेम चलेगा सेम चलेगा। इतना सब कुछ सेम चलने के बाद यहां जो आ जाता है ना, लो मेंटेनेंस चार्जेस एंड रीजनेबल प्राइस, जो है इसकी जगह लिखोगे रेंट एक्सपेक्टेड, और जो भी आप रेंट एक्सपेक्ट करना चाहो वो लिख सकते हो, मान लो 30K। इतना करना है और कुछ भी नहीं, बाकी सारी तारीफें सब एक जगह ही रहेंगी। क्लियर हो गया? तो टूलेट वाली प्रॉपर्टी का आप इस तरह से कर सकते हो। अगर आपकी कोई चीज खो गई उसका आपको एडवर्टाइजमेंट देना है, वो कैसे लिखोगे वो भी देख लेते हैं। सबसे ऊपर लिखा जाता है लॉस्ट एंड फाउंड हेडिंग, उसके बाद लॉस्ट, और फिर स्टार्ट करोगे ए। अब जो भी चीज है उसका कलर बताओ, उसकी पहचान बताओ, उसका साइज बता दो। घड़ी है तो घड़ी का कलर, भाई ब्लू कलर की घड़ी थी, रेड कलर की घड़ी थी। अगर आपका कोई वॉलेट गुम हुआ है तो वॉलेट का कलर आ जाएगा, किस तरह का वो था वो मेजरमेंट और उसका कलर आ जाएगा आ जाएगा। उसके बाद आएगा विद अ नेम टैग, ये तो मैंने अपनी तरफ से लिख दी लाइन। इसका मतलब है भाई उसके अंदर ना वो नाम लिखा हुआ था, ऐसी कोई पहचान लिखी हुई थी, कोई भी आप पहचान वहां पे लिख सकते हो। ठीक है जी, कौन सी डेट पे खोया था वो जरूर बता देना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट बताओ, टाइम बता दो, भाई 10 बजे खोया था, कहां पे प्लेस बतानी, कहां पे खो गया था, भाई मंदिर के पास खो गया था, स्कूल के पास खो गया था, पुलिस स्टेशन के पास ही खो गया था, ये बता देना। नियर द बस स्टैंड, अब बस स्टैंड के पास खोया था, या फिर आप मुझे बताओ कि मेट्रो स्टेशन के पास खो गया था, कहां खोया था वो बता दो। ठीक है, प्लेस आ गई दिल्ली मुंबई जो भी एरिया था वो, और एरिया में भी कौन सी प्लेस पे बिल्कुल एग्जैक्ट पोजिशन आपको बता देनी है, एग्जैक्ट प्लेस बता देनी है। ठीक है, इट कंटेन्स, उसके अंदर क्या क्या था सामान बता दो। भाई वॉलेट के अंदर क्या था, भाई मेरे वॉलेट में तो पैसे वैसे होते नहीं, हम तो बहुत गरीब आदमी है, लेकिन जिनके भी पैसे थे 10,000 20,000 जो उसमें लाखों रुपए ठूस रखे थे वो बता देना। उसके अंदर अगर आपकी कोई सोने की चैन भी थी वो बता देना, अगर कोई लड़की का पर्स खो जाता तो वो ये बताएगी ना। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स थे अगर आपका लाइसेंस था वो बता देना। अब घड़ी के अंदर तो डॉक्यूमेंट्स होंगे नहीं, अगर आपकी घड़ी खोई थी मोबाइल खोया था उसमें ये सब बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उससे रिलेटेड एक दो बात अगर आप जितनी भी लिख पाओ वो लिख देना। आगे बढ़ते हैं। फाइंडर इज रिक्वेस्टेड, फाइंडर से रिक्वेस्ट की जाती है, जिसको भी वो मिलता है, फाइंडर मतलब ढूंढने वाले से रिक्वेस्ट की जाती है कि कॉन्टेक्ट करे इन फोन नंबर्स पे जो नीचे दिए गए हैं। कॉमन लाइन है, सब में चलेगी, द फाइंडर विल बी, ये भी कॉमन लाइन है, विल बी सूटेबली रिवार्डेड, जो भी ढूंढेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, जो भी सूटेबल होगा, जो भी हमें ठीक लगे हम उसको उतनी इनाम में राशि दे देंगे। मिस्टर रवि जो भी हो आप एडवर्टाइज देने वाले, और उनका कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा। बॉक्स में बंद करना है इसको भी, ये कर लो, चार नंबर आपके पक्के। तो दोस्तों ये मेरी कोशिश थी आप सभी के लिए, पहले मैं साइड हो जाता हूं, अच्छे से देख लो, ये हमारी कोशिश थी आप सभी के लिए एडवर्टाइजमेंट को कंप्लीट कराने की। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एग्जाम के अंदर आप एडवर्टाइजमेंट में पूरे नंबर लेके आओगे और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको इस तरह की और भी वीडियोज चाहिए राइटिंग सेक्शन की तो हमने ऑलरेडी बना रखी है, हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ आप यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं, टॉपिक नेम बाय डियर सर लिखकर आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं बहुत ज्यादा आभारी हूं उन सभी टीचर्स का, उन सभी प्रिंसिपल्स का जो हमारी वीडियोस अपने अपने स्कूल्स में प्ले करवा रहे हैं, हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपसे भी आपका सपोर्ट चाहता हूं, आप हमारी पूरी टीम को सपोर्ट करें इस मिशन के अंदर, जिसमें हम इस बार जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उन सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा कराना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आपके इस एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स दिलाने का ठेका ले रखा है हमने।